ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटीज के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड, आई ऑक्साइड्स का जो है वो कंसेप्ट बताएं। बेसिकली ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात की जाए तो इसके नेचुरल रिसोर्सेज में वॉल्केनिक एरप्शन, नेचुरल गैस एमिशन और ऑक्सीडेशन आती है मीथेन की, जबकि इसकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जो है वो स्मोकिंग भी है। और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड की रीज़न सबसे बड़ी ये है कि कम्बशन फॉसिल फ्यूल्स की, एग्रीकल्चरल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके बाय प्रोडक्ट्स कार्बन मोनोऑक्साइड्स बनते हैं, फॉरेस्ट फायर्स की जो है, और इसके अलावा डंपिंग ऑफ सर्टन वेस्ट्स जो कि बहुत अजीब से होते हैं, उनकी सबसे बड़ा रीज़न है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली इंडस्ट्रीज से भी निकलती है और ये सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। किलिंग फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा ये क्वाइट किलर है और पॉइजनस गैस है, सफोकेटिंग करती है, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेबिलिटी को ख़त्म कर देती है। अब बात आती है हमारे पास उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है वो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू जो है वो इसको नाइट्रोजन प्रोड्यूस की जाती है हमारे पास। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में हमारे पास जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस की जाती है वो बेसिकली कम्बशन है कोल की, ऑयल की, नेचुरल गैस की और गैसोलीन की। कंबशन की कैसे जाती है? बेसिकली जो बर्निंग, हम फ्यूल बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस के अंदर, आपने देखा आग लगा दी कहीं ना कहीं पर, तो इंटरनल कंबशन इंजन की जो है उसकी वजह से नाइट्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनओज बना लेती है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जबकि नाइट्रोजन एसिड रिएक्ट करती है, नाइट्रोजन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से मजीद, यानी कि यही नाइट्रोजन उठाकर अगर हम इसको रिएक्ट करवा दें ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन तो फ्री है ना एयर में, आपको तो पता है, और अल्ट्रावायलेट रेज चल रही है, तो फिर उसके बाद वो ये भी बना देंगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि फिर फर्दर जो है 3 to 4 days उस एनवायरमेंट में रहेगी और उसके बाद एसिड रेन बन के जो है वो नीचे फॉल डाउन हो जाएगी, जिसके बिना पर एसिड रेन भी होगी। हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड्स की बात आती है, ये सल्फर ऑक्साइड्स की बात आती है, यहाँ पर मैंने डाइऑक्साइड लिख दिया, वैसे ये सल्फर ऑक्साइड्स तमाम है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इसकी ये है कि सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो वॉल्केनिक एरप्शन से प्रोड्यूस होती है, और जितनी भी आपके पास सल्फर है दुनिया के अंदर उसकी सल्फर की जो है वो ऑक्सीडेशन, जो सल्फर बेड्स है उनकी ऑक्सीडेशन की जाए जब गैसेस से तो सल्फर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से भी सल्फर प्रोड्यूस होती है क्योंकि आपके पास प्रोटीन जो होती है, खास किस्म की एक प्रोटीन का अमाइनो एसिड है, उसका नाम है सिस्टीन और सिस्टाइन, उसके अंदर भी सल्फर जो है वो मौजूद होती है। इसी वजह से सल्फर जो है उसको हम कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज एक्चुअली नेचुरली ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज में, कि अगर आप देखना चाहें नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास यहाँ पर इनकी तो मतलब मल्टीपल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमन एक्टिविटी देखना चाहिए तो जब हम सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थोड़ा सा हीट अप करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है, ये सबसे बड़ी रीज़न है, और यही सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना देती है जो कि फिर एसिड रेन का बाइस बनते हैं, ठीक है। ये जनरली तौर पे ये तीन गैसेस जो हैं ये एसिड रेन करती हैं। ये बेसिकली कोल की कम्बशन, क्योंकि कोल में भी सल्फर कुछ होता है, क्रूड ऑयल की कम्बशन अगर आप देखें तो, और पावर प्लांट्स के अंदर, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के अंदर मुख्तलिफ कम्बशन के थ्रू जो है ये सल्फर आपके पास जो है ये बनती है। ये गैसेस जो है वो पंजेंट स्मेल होती हैं, इनकी इरिटेटिंग है, सफोकेंट हैं दोनों, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों, और ये फिर सल्फर एरोसोल्स बना लेती हैं जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, जिसके बिना पर अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा कम्बशन होती है या किसी एक इलाके के अंदर जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा सल्फर के डिपॉजिट्स को जलाया जाता है तो उस इलाके के लोगों को एस्थमेटिक या इस किस्म की कंडीशन हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है।